नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मधुकर्णिका की और एक ब्लॉग में आप सब लोगों को स्वागत है। बाहर का मौसम देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। एक्चुअली नवरात्रि, दुर्गा पूजा सब कुछ ही दिनों में हम सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए नेचर भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। तो नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए हमने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट्स में तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पर भी मैं मेरा शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैंने अपना वार्डरोब को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वार्डरोब्स में कई चेम्बर्स बनाई है ताकि कपड़ों को ठीक तरह से सेग्रीगेट कर सकूं। मैंने अमेजोन से इस तरह का ऑर्गेनाइजर मंगवाई है ताकि अपना इनर वायर को अच्छी तरह से रख पाऊं। ये देखिए, अलग अलग चेम्बर में अलग अलग से कपड़े रखे हैं और मैंने तो यहाँ पर स्टिकर से नाम भी लिखा है कि कौन से चेम्बर में क्या क्या रखा है। इस ड्रायर में मैंने अपना जंग ज्वेलरीज रखी है। ये वाला नेक पीस मैंने शॉप से खरीदी थी, इसका सारा डिटेल्स एक शॉर्ट्स में मैंने दी है। अगर आपने वो शॉर्ट्स अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगी, आप थोड़ा देख लीजिएगा। अभी ये वाला कॉटन कुर्ती का सेट मैंने मीशो से खरीदी है 563 रुपीज में। वैसे सब कुछ ठीक ही है, पॉकेट भी है इसके साथ, लेकिन पैंट थोड़ा साइज से छोटा है। लेकिन ये वाला सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का लॉन्ग कुर्ती बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस है 630 रुपीज। और पता है ये कुर्ती वायरल भी है। मुझे तो ये वाला कुर्ती इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रही हूँ कि सप्तमी के दोपहर में यही ड्रेस पहनूंगी। अब फिर से चलिए वार्डरोब की तरफ। ऊपर में रखी हूँ कुछ खास स्कर्ट्स और उसके नीचे रेगुलर वेयर स्कर्ट्स और उसके नीचे मेरा कुछ टॉप्स रखी हूँ। और इस ड्रॉयर में मैंने सिल्वर जंग ज्वेलरीज रखी हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिख के बताना। और एक ज्वेलरी सेट मैंने खरीदी है, ये मल्टी कलर अफगानी सेट बहुत सारे ड्रेस के साथ जाएगा। इसका प्राइस है 225 रुपीज और मुझे तो ये ठीक ठाक ही लगा है, आप लोगों को कैसा लगा वो थोड़ा बताना। अभी देखिए साड़ियों को मैंने किस तरह से सेग्रीगेट किया है। जो शिफॉन जॉर्जेट का साड़ी है वो सब एक चेम्बर में, और कॉटन का जितना भी साड़ी है वो सब और एक चेम्बर में रखा है, और जो मेरा सिल्क या बनारसी साड़ी है वो सब और एक चेम्बर में रखा है। पेटीकोट ब्लाउज सभी अलग अलग चेम्बर में मैंने रखी है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को कैसा लगा। ये वाला लैलेक कलर का कुर्ती मैंने अमेजोन से 999 रुपीज में खरीदी है, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया है और वो बोली है कि वही पहनेगी। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ये येलो कलर का कुर्ती मैंने मीशो से खरीदी है 425 रुपीज में, षष्ठी के दोपहर को पहनने के लिए। दोस्तों आज हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, आप लोगों को भी चलिए हमारे साथ ले चलते हैं। लेकिन इसके बीच बीच में मैं अपना शॉपिंग हॉल भी आप लोगों को दिखाते रहूंगी, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज संडे है, लेकिन अचानक एक काम आ जाने से मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए, इसलिए मैं ही मेरी दादा और बेटी को लेके जा रही हूँ। अभी ये वाला कुर्ती देखिए, जो मैंने मीशो से ही खरीदी है, लेकिन कलर बिल्कुल डिफरेंट आया है, लेकिन देखने में अच्छे ही लग रहा है ना, इसलिए मैंने इसको रख लिया। इसका प्राइस है 395 रुपीज। ये जो फॉरेस्ट आप लोग देख रहे हैं ये पहले और भी घना हुआ करता था, लेकिन अब पेड़ काटते काटते ये फॉरेस्ट ये बिल्कुल हल्का हो गया है। फिर भी रास्ता के दोनों तरफ ये जंगल कितना सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों को बोलूंगी कभी डुअर्स में आइए और घूम के जाइए, बहुत ही सुंदर प्लेस है। आप यहाँ पर कुछ दिन रह के नेचर के ब्यूटी को करीब से देख सकते हैं। दोस्तों लकीली हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसकी 20-25 मिनट की दूरी में ही बहुत सारा ब्यूटीफुल प्लेसेस है, इसलिए जब भी हमारे यहाँ पर कोई दोस्त या रिलेटिव घूमने के लिए आते हैं, हम उनको इन सारे जगह पर घूमने के लिए लेके आते हैं। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट भी हमारे घर से बहुत ही करीब है। दोस्तों जाते जाते फिर से चलिए मेरा और एक कुर्ती आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्लैक कलर का ये कॉटन कुर्ती भी मैंने मीशो से ही खरीदी है, और प्राइस आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, प्राइस है इसका 191 रुपीज। दोस्तों अभी ये ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से हम लोग कितना सारा ड्रेसेस खरीदते हैं, है ना। लेकिन पहले हम लोग दो या तीन ड्रेस ही खरीदते थे,
लेकिन उसका भी कुछ अलग ही मजा था। हर रोज मैं एक बार करके अपना सारा ड्रेस देखती थी और नेबर्स को बुलाकर भी अपना सारा ड्रेसेस दिखाती थी। इस बात पर शायद आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे। हाँ, तो बात करते करते हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। हमारे बिल्कुल सामने ही है टी एस्टेट और उसके पास से ये रिवर बह रही है। इस रिवर का नाम है डीमा रिवर और इस ब्रिज को हम डीमा ब्रिज करके बुलाते हैं। भूटान का जो पहाड़ है वो भी यहाँ से बहुत करीब है और यहाँ से दिखाई भी देता है। मौसम देख रहे हैं, आते वक्त भी थोड़ा सा बारिश हुई थी और शायद जाते वक्त भी बारिश होगी। इस डीमा ब्रिज की थोड़ी ही दूर में एक रेल ब्रिज भी है, वो देखिए वहाँ से एक गाड़ी भी जा रही है। आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है। गाइस, इतना ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आप लोगों को और कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। हमारे आसपास और भी बहुत सारा घूमने की जगह है, लेकिन वो किसी और दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों, ये था आप लोगों का सरप्राइज। तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें लिख के बताइए। और मेरा शॉपिंग हॉल यहीं पर ही खत्म नहीं हुई है, और भी बहुत सारा चीजें मैंने खरीदी है जो मैं इस वीडियो में अपलोड नहीं करूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को वो सब शेयर करूंगी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर याद करके कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और कोई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। इन एडवांस अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि टू यू ऑल। बाय बाय, सी यू सून।